हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्टडी पॉइंट मार्केट में आपका स्वागत है। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी स्टडी पॉइंट की, आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। आज अपने बात करेंगे पाचक तंत्र की, ठीक है। पाचक तंत्र की बीमारियों की बात करेंगे तो पाचक तंत्र की बीमारियाँ शायद किताब में 18-19 दी हुई है, तो अपने बात करेंगे सिर्फ नॉर्मली 16 टॉपिक है उनकी बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट मैंने देख के लिखे हैं। पहला है स्टोमेटाइटिस, मुँह की सोजन की बात। दूसरा फ्रेंजेटाइटिस, घसनी की सोज। चौक, कोलिक, पेट दर्द, सिंपल इंडाइजेशन, साधारण पाचन। उसके बाद है एसिडिक इंडाइजेशन, फिर रूमिनल, टिम्पनी, आफ्रा और इंथ्राइटिस, इम्पेटिक ऑफ वुमन, रूमन का बंद। फिर है डिहाइड्रेशन, दस्त। उसके बाद है पैचिस। उसके बाद कब्ज, और उसके बाद रूमेनियल ट्रोमेस्टिक रूमेटाई। उसके बाद है इंटेस्टाइनल ओबेस्टिक, फिर एलकोलिक इंजाइजेशन, फिर उसके बाद है लास्ट है सोलानियन जोंडाइटिस या पीलिया। ये 16 टॉपिक है जिनकी अभी लिए होगी आपने। इसके बाद अपने बात करें, आज अपने बात करेंगे स्टोमेटाइटिस और फेरेंजाइटिस और चौक की, तीन टॉपिक की बात करेंगे आज। स्टोमेटाइटिस की पहले स्टोमेटाइटिस क्या होता है। स्टोमेटाइटिस मुँह की श्लेष्मा की झिल्ली होती है, मुँह मुख गुहा होता है ना, उसकी श्लेष्मा झिल्ली होती है ना, उसकी सूजन होती है, उसे क्या कहते हैं स्टोमेट की मुख गुहा की सूजन होती है ना, मुख की मुख गुहा की सूजन को क्या कहते हैं स्टोमेटाइटिस कहते हैं। स्टोमेटाइटिस के अंदर अपने बात करते हैं किन कारणों के कारण होता है, तो कारण स्टोमेटाइटिस के अपने के बात करते हैं कारणों की। स्टोमेटाइटिस के अंदर कारणों की बात करते हैं, पहले नंबर पर अपने बात करेंगे भौतिक कारण। भौतिक कारण के अंदर क्या होता है कि किसी कारण किसी पशु के चोट लग गई, चोट लगने के कारण या उत्तेजित दवा खाने के कारण क्या होता है स्टोमेटाइटिस हो सकता है। उसके बाद अपने बात करेंगे दोनों में रासायनिक रासायनिक कारण के अंदर बात करेंगे कि अम्ल क्षार और या इरिटेट ड्रग होती है ना, उनके खाने से क्या होता है ये हो सकता है। उसके बाद अपनी बात करेंगे तीन नंबर अपनी बात करेंगे वायरस कौन से वायरस के नाम हो सकता है। वायरस के अंदर क्या होगा, PPR हो गया, RP हो गया और FMD हो गया, ठीक है। इसके इन रोगों के भी ये स्टोमेटाइटिस हो सकता है। उसके बाद अपनी बात करेंगे चार नंबर फफूंदी के अंदर क्या होती है मोनियोसिस होता है ना, मोनियोसिस रोग होता है, उसके कारण भी ये स्टोमेटाइटिस हो सकता है। उसके बाद अपने बात करेंगे चार नंबर भी पांच नंबर अपने बात करेंगे भी एलर्जी कारक, किसी एलर्जी के कारण ऐसा नीचे दिखेगा। पांच नंबर अपनी बात करें एलर्जी के कारण, अगर पशु को किसी प्रकार का एलर्जिक किसी प्रकार का कोई एलर्जिक है, अगर पौधा खा लेता है या भोजन करता है, उसके अंदर कोई प्रकार की उसे इरिटेट हो जाता है या भोजन होता है उसके अंदर वो क्या होता है पौधा एलर्जी होता है या एलर्जी कारण हो सकता है। छह नंबर अपनी बात करेंगे किसी चीज़ की डिफरेंस या कमी के कारण भी क्या हो सकता है स्टोमेटाइटिस होता है। इसका अपने माने तो ए और बी, विटामिन ए और बी को मान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपने बात करेंगे भी लक्षणों की बात करते हैं स्टोमेटाइटिस की लक्षणों की बात करेंगे
लक्षण क्या होगा, लक्षणों की बात करेंगे तो पहला लक्षण अपना क्या होगा, पशु क्या होगा, चरना बंद कर देगा, पहला होगा चरना बंद कर देगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, भी वो पानी पीना भी बंद कर देगा। अगर पशु क्या करेगा, चरेगा या वो भोजन खाया हुआ होगा ना उसे वो चबाने की कोशिश करेगा, चबाने की कोशिश करेगा तो उसके अंदर चप चप की आवाज़ आएगी, ठीक है। उसके बाद अपने माने तो क्या होगा, भी पशु अगर भोजन खाने का कोई प्रयास करेगा तो भोजन पशु क्या होगा, जबड़े के अंदर दर्द होगा, ठीक है। उसके बाद अपने मान सकते हैं भी ठीक है। उसके बाद जब तब की बात करें, उसके बाद अपने माने तो क्या होगा, भी पशु होगा ना उसके मुँह के अंदर क्या होगी, बदबू आने लग जाएगी, पशु के मुँह में बदबू आने लग जाएगी। पशु के क्या होगा, पुराना कोई घाव होगा ना तो उसके कारण भी स्टोमेटाइटिस हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, स्थानीय निफेनोइड होती है ना उसके सुजल होने के कारण भी क्या हो सकता है, स्टोमेटाइटिस हो सकता है। इसके बाद अपने बात करेंगे उपचार की, इसका एग्जाम उपचार या ट्रीटमेंट क्या करेंगे, अपनी उपचार या ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, पहला अपने मान सकते हैं कि अगर किसी प्रकार का घाव है या अगर स्टोमेटाइटिस हो गया उसके अंदर किसी प्रकार के घाव या छाले हो गए हुए हैं तो अपने क्या करेंगे, 0.1% पीपी पोटेशियम परमैंगनेट को घोल के क्या करेंगे, उसके मुँह को अच्छी तरह से धो देंगे, ठीक है। उसके बाद अपने क्या करेंगे, उसका प्राथमिक सही तरीके से भी इलाज करेंगे, प्राथमिक तरीके का इलाज करेंगे, ठीक है। उसे अच्छा सा उसे एंटीबायोटिक देंगे, उसे मल्टीविटामिन इंजेक्शन देंगे। इसके अलावा अपने क्या करेंगे उसे आईवी रूट से फ्लूड देंगे। इसके अलावा अपने क्या करेंगे, भी पशु को क्या होगा, नॉर्मल या क्या करें अपने सॉफ्ट भोजन होता है ना, उसे क्या करेंगे नरम भोजन देंगे, ठीक है, नरम भोजन देंगे। इसके बाद अपने क्या करेंगे, अगर कई बार क्या होता है कि पशु होता है ना उसका घाव पुराना होता है, पुराना घाव होगा ना तो अपने उसके घाव को, पुराने घाव को भरने के लिए क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट सिल्क होती है, या फिर अपने बात करेंगे आयोडीन होती है, टीचर शोध है उसका, उसको काम में लेंगे, टीचर आयोडीन को काम में लेंगे, ठीक है। ये अपने स्टोमेटाइटिस कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपने बात करेंगे दो नंबर फेरेंजियटाइटिस की, फेरेंजियटाइटिस के अंदर क्या होता है, घर्षणी होती है, इसकी शोध को क्या कहते हैं, फ्रेंजेटाइटिस कहते हैं, या घर्षणी शोध कहते हैं। इसका अपने क्या कहेंगे, भी पशु होता है ना उसके अंदर क्या होता है, पशु के अंदर क्या होता है, पाचन तंत्र या भोजन हेतु या वह सब संक्रिया हेतु एक ही अंग होता है जिसे क्या कहते हैं, घर्षणी। अगर इसके अंदर सूजन आ जाती है तो इसे क्या कहते हैं, घर्षणी शोध कहते हैं, ठीक है। इनके अंदर अपने दूसरी परिभाषा क्या मान सकते हैं कि कई बार क्या होता है, पशु घर्षणी की म्यूकसा होती है उसके अंदर सूजन आने को क्या कहते हैं, घर्षणी शोध कहते हैं, ठीक है। इसके अगर अपने पहले बात करते हैं कारण की, किन कारणों के कारण होता है, कारण की बात करते हैं किन कारणों के कारण होता है, तो पहला अपने बात करते हैं चोट लगने के कारण, ठीक है। पहला हो गया चोट लगने के कारण मान सकते हैं पशु के अंदर, या रासायनिक कारणों के कारण मान सकते हैं, दो नंबर रसायनों के कारण, इन्हीं रसायनिक कारणों के मान सकते हैं, चौथा नंबर अपने मान सकते हैं वायरस के कारण भी हो सकता है, ठीक है। और चार नंबर अपने क्या मान सकते हैं, बैक्टीरिया के कारण भी ये फेरेंजियटाइटिस हो सकता है। उसके बाद अपने बात करेंगे लक्षणों की, क्या क्या लक्षण होते हैं इसके अंदर, लक्षणों की बात करते हैं, लक्षण क्या होंगे,
इसके अंदर लक्षण क्या होंगे, भी पशु क्या होगा, चलना फिरना बंद कर देगा, ठीक है। पशु के क्या होगा, भी पशु बार बार खांसी करेगा तो पशु के क्या होंगे, नाक होगा, नाक में से क्या होगा, नाक पशु के नाक होगा ना उसके अंदर, नाक में से क्या होगा, जैसे ही जो भी खाना खाया होगा, भोजन उसका खाया होगा, क्या होगा, खांसी के साथ नाक से बाहर आएगा पानी, पानी के साथ साथ है। और जो खाद्य पदार्थ नाक नाक के द्वारा वापिस आएंगे ना, तो नाक के अंदर क्या होगा, चोट लगने के कारण नाक के अंदर क्या हो जाएगा, रक्त स्त्राव होने लग जाएगा। ओके, उसके बाद अपने क्या मान सकते हैं कि रोगी पशु के क्या होगा, ग्रसनी के अंदर सूजन आने की क्या होगा, पशु के दर्द होगा तो पशु क्या होगा, अपने सिर को क्या होगा, तनाव या अकड़ा हुआ पशु सिर को गर्दन को रखेगा, ठीक है। इसके बाद अपने क्या कह सकते हैं कि इसका उपचार क्या करेंगे, तो उपचार के अंदर क्या करेंगे, भी उपचार के अंदर अपने क्या करेंगे, इसको नरम भोजन देंगे, एक नंबर क्या करेंगे, नरम भोजन देंगे या सॉफ्ट भोजन देंगे, ठीक है, नरम भोजन देंगे। उसके बाद दो नंबर अपने क्या करेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आईवी रूट से फ्लूड देंगे, ठीक है, फ्लूड देंगे। उसके बाद अपने इसका क्या कर सकते हैं, अभी इसको एंटीबायोटिक देंगे, तीन नंबर क्या होगा, उसको एंटीबायोटिक देंगे और पेन किलर देंगे, ठीक है, और एंटी एलर्जी के देंगे। इसके बाद अपने बात करेंगे, ये फ्रेंजेटाइटिस हो गया है, उसके बाद बात करेंगे चोक या अवरोध। इसके अंदर हमें बात करते हैं पहले कारण, किन कारणों से हो गए, अगर पशु क्या होता है, कोई पशु कोई चीज़ खाता है, पशु कोई वस्तु खाता है, वो क्या होता है, उसके ग्रसनी के अंदर या ग्रसिका के अंदर फंस जाती है तो उसके अंदर क्या आती है, रुकावट आ जाती है ना, तो उसको क्या कहते हैं, अवरोध या रुकना कहते हैं। इसका अपने एग्जाम कारणों की बात करनी है तो किन कारणों के कारण होगा, अगर पशु क्या होता है, कोई बाहरी दबाव के कारण पशु क्या होता है, कोई चीज़ खाता है उसके कारण क्या होता है, निगलती हुई कोई वस्तु के कारण हो गया भी, वो चीज़ फंस जाती है भोजन या आगे जाके रुक जाता है, ठीक है। या फिर अपने मान सकते हैं निफेनोइड होती है, निफेनोइड की सूजन के कारण भी क्या हो सकता है, अवरोध या चौक हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि श्लेष्मा की ग्रसनी होती है, ग्रसनी की भित्ति होती है ना, उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट आ जाती है तो उसके कारण क्या होता है, चोक हो सकता है। उसके बाद अपने बात करते हैं लक्षणों की, नहीं उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, भी पशु क्या होगा, अपनी जीभ बाहर निकाल लेगा और क्या होगा, पशु जीभ बाहर निकाल लेगा। दूसरा अपने मान सकते हैं कि पशु क्या होगा, गुर गुर की आवाज़ करेगा। इसके अलावा अपने तीसरा क्या मान सकते हैं कि पशु खाना पीना छोड़ देगा, पशु क्या होगा, खाना पीना छोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद अपनी बात करते हैं कि पशु क्या होगा, पशु के आप रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपनी बात करते हैं कि उपचार की बात करते हैं तो उपचार के अंदर क्या करेंगे, भी छोटे जानवरों के अंदर क्या करेंगे, एसोफेगस होता है, एसोफेगस होती है ना, उसके द्वारा क्या करेंगे, जो छोटे पशुओं के अंदर अवरोध या चोक हुआ है या कोई वस्तु उसके हरणा में फंसी हुई, उसको क्या करेंगे, आगे सरकाएंगे या वापस निकालने की कोशिश करेंगे, बड़ी या फोर्स है फैली और बड़े जानवरों में क्या करेंगे, उसे धकेलने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अपने क्या कर सकते हैं, पशु क्या करेंगे, आफरे से निजात दिलाएंगे, ठीक है। पशु के अगर आफरा आ गया, चोक आने के कारण आफरा आ गया तो आफरे से निजात दिलाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अगर घोड़े के अंदर ये दिक्कत आ गई है तो पशु घोड़े के अंदर क्या करेंगे, अपने गर्म नमक का गर्म पानी उसके मुँह के अंदर डालेंगे और उसके पानी डालने के कुछ दिन देर बाद क्या करेंगे, या तो पंप की सहायता से उसे वापस करेंगे या करेंगे किसी किसी
उसे आगे धकेलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद अपने क्या करेंगे भी, अपने क्या करते हैं पशु के इसके बाद इंजेक्शन क्या देंगे, एड्रोपिन। एट्रोपिन सल्फेट है, क्या करेंगे 16 से 12 mg किलो किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से इंजेक्शन देंगे, ठीक है। ये सब प्राथमिक ट्रीटमेंट करने के बाद भी अगर पशु के क्या होता है चोक, अगर चोक नहीं निकलता है तो लास्ट इसके बाद ये उपचार करने के बाद भी क्या होता है अगर चोक या अवरोध नहीं होता, मतलब नहीं निकलता है, तो अपने क्या करेंगे पशु को पशु के सर्जरी करा देंगे। सर्जरी ही लास्ट चांस होगा, अपने क्या करेंगे सर्जरी करा देंगे, जिससे क्या होगा चोक या अवरोध निकल जाएगा। इसके बाद है इतना ही करेंगे आज, और आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ये समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं यही कहना चाहूँगी भी कई क्या कर रहे हैं स्टूडेंट शॉर्ट में ट्रिक बना के पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा भी अभी तक पेपर की कोई संभावना नहीं है, अभी तक वैकेंसी की कोई सूचना नहीं है, तो मैं यही कहूँगा भी जितना ज़्यादा उसके उसको क्या करें ज़्यादा मतलब कवर करें, ठीक है, सब्जेक्ट को ज़्यादा कवर करें, और जब पेपर आने लगे तब ट्रिक से अच्छा रहता है, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ अपने स्टडी पॉइंट की वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक कमेंट और शेयर करिए, धन्यवाद।